हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी जैसा कि आपको पता है, मॉर्निंग सुबह उठ गए हैं भाई, 5:15 टाइम हो रहा है। हम लोग और निकलेंगे रनिंग के लिए, और ना आज पता नहीं क्यों बॉडी हल्का हल्का पेन कर रहा है। अब जाके दौड़ के आते हैं, देखते हैं फिर उसके बाद सीन क्या रहता है। रनिंग के बाद ना थोड़ी थोड़ी ठीक हो जाती है, नहीं तो थोड़ी बढ़ जाती है। तो ठीक हो जाएगा, हल्का हल्का दर्द कर रहा है पता नहीं क्यों। हाँ, मेरे आम का ये साइड वाला एरिया जिस पे फोन पकड़ा हूँ मैं। तो फिलहाल रनिंग से आते हैं, और बने रहिए आगे ब्लॉग में। स्वागत है इस नए ब्लॉग में, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। अभी गाइस मैं आ गया हूँ रनिंग करके, और अभी टाइम हो रहा है 7। तो अभी जा रहा हूँ मैं नहाने के लिए, मतलब 7 साढ़े 7 हो रहा है, आधे घंटा हो गया मेरे को आए हुए। तो फिलहाल अभी जा रहा हूँ मैं नहाने के लिए, क्योंकि बहुत गर्मी लग रही है ना। और जिम तो नहीं जा रहा हूँ क्योंकि तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, तो इस वक्त पे मेरे को जिम जाना अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब थकावट ज़्यादा हो जाती है। सो इसलिए मैं जिम नहीं जा रहा हूँ, अभी मंडे से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है ना। वो कल रनिंग के लिए गया था और चेस्ट में पेन काफ़ी हो गया था, मतलब सांस एकदम जल्दी फूल गई थी, वही सर्दी के नाम से। सो फिलहाल अभी जा रहा हूँ नहाने के लिए। अभी गाइस नहा चुका हूँ मैं, और नाश्ता भी मैंने कर लिया। एक्चुअली क्या हुआ कि नाश्ता, मतलब नहा के आने के बाद लाइट थोड़ी सी बंद हो गई थी, इसलिए मैंने उतने टाइम क्लिक नहीं लिया, और अभी नाश्ता तो कर लिया है। और आज सीन ये है कि मतलब सुबह को रनिंग के लिए गए थे, तो गांव में नल है, मतलब टंकी लगा हुआ है, तो कहीं पास का जो मतलब पाइप है नल वाला, वो कहीं पास से फट गया है, तो आज नल चालू नहीं हुआ बोल रहे थे। लेकिन अच्छी बात है कि हम लोगों के घर में पानी था, नहीं तो तालाब जाना पड़ता, लेकिन तालाब जाने का मन नहीं था मेरा। सो फिलहाल घर पे नहा लिए, और पता नहीं गाइस ये क्या हो गया है मेरे में, मतलब पिंपल तो नहीं है ऐसा, गर्मी क्या है बोलते हैं। और देखो अभी प्रॉब्लम ये चल रही है कि एक तरफ सर्दी है ना, ठीक है सर्दी खासी अलग, और ऊपर से गर्मी भी हो रही है, अंदर तरफ मुंह में हल्के हल्के छाले भी हो गए हैं, मतलब इधर। और ये पता नहीं क्यों हो जा रहा है, जो मेरे काफ़ी अनकम्फर्टेबल लग रहा है, और थोड़ा सा चुभ भी रहा है, और इसको छेड़छाड़ नहीं कर सकते, बड़ी मुश्किल से अपना हाथ कंट्रोल कर रहा हूँ मैं, लेकिन फिर भी बार बार टच हो जा रहा है। जल्दी से ठीक हो जाए, क्योंकि ये अच्छी बात नहीं है, मेरे को पसंद नहीं आते ये सब, बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। सो फिलहाल अभी तो जाके मैं शॉप पर बैठूंगा, क्योंकि पापा अभी बैठे थे और वो भी नहाएंगे, खाना वगैरह खाएंगे, मतलब नाश्ता वगैरह करेंगे। सो फिलहाल अभी जाके मैं शॉप पर बैठता हूँ। तो अभी गाइस टाइम हो रहा है 1, और अभी मैं जस्ट खाना खाने वाला हूँ, इससे पहले दुकान पर बैठा था शॉप पे। और ये देख सकते हैं ये पिंपल जो काफ़ी बढ़ गया था, मतलब एकदम बहुत दर्द कर रहा था, और अभी भी यहाँ पास आप देख सकते हैं यहाँ वाला एरिया, जो यहाँ पर हल्की सी मेरी सूजन हो गई है सिर्फ और सिर्फ इस पिंपल की वजह से। तो मैंने अभी अपने फेस पर एलोवेरा अप्लाई किया था, सो एलोवेरा लगाया, उसके बाद 20 मिनट रख के वॉश कर दिया। सो जब वॉश किया तो ये फूट गया अपने से, मैंने अपने से पॉपअप नहीं किया इसको, तो सो अभी फाइनली थोड़ा सा ठीक है, अब 1-2 दिन में गायब हो जाएगा, लेकिन इतने एरिया में हल्का हल्का दर्द है। सो कुछ तो कर नहीं सकते, आसपास में कोई डर्मेटोलॉजिस्ट भी नहीं है अच्छा सा कि जाते, इसके लिए हमको रायपुर ही जाना पड़ेगा। सो ध्यान देना चाहिए अपनी स्किन पे, सो मैं भी ध्यान देता हूँ, और ये मेरे को अच्छा नहीं लगता। सो फिलहाल अभी खाना निकल चुका है, तो खाना खाते हैं। जो है निकल चुका है, देवी से निकाली, तो सब्जी है मसूर, और गर्म पानी पीना पड़ रहा है आजकल, सब तबीयत ठीक नहीं है ना। तो भाई शाम के 4 बज रहे हैं, और मैं तो शॉप पे ही बैठा था काफ़ी टाइम से, क्योंकि दोपहर वाला टाइम मेरा रहता है ना, तो वीडियो वॉच कर रहे थे। तो आज मतलब आज एक अच्छी टॉपिक की वीडियो देख ली, GST नहीं होता है उसका पूरा वीडियो देख लिया हमने, तो मेरे को पर्सनली समझ में आ गया, काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो थी जीके की, मतलब GST की, तो GST क्या क्या होता है कैसे कैसे, वो तो साला पूरा समझ में आ गया। तो काफ़ी अच्छी योजना है GST जो है,
और फिलहाल अभी तो मैं सोच रहा हूँ कि यशवंत के पास जाने का, क्योंकि बहुत दिन हो गया और अभी शाम हो गया ना, तो थोड़ा घूम के भी आना चाहिए क्योंकि घूमने से रिफ्रेशमेंट मिलती है ना। सो भी सोच रहे हैं कि चलूँगा मैं यशवंत के साथ, तो सुहेला घूम के आ जाएंगे खाली पीली गुपचुप वगैरह खा के। सो उसी के लिए निकलता हूँ, मतलब तैयार होता हूँ फिलहाल, उसके बाद चलेंगे। सो भी गाइस तैयार हो गया हूँ मैं, और मतलब शर्ट चेंज कर ली मैंने, और अभी 5 बज रहे हैं, मतलब 5:30 हो गया, तो चलता हूँ। और यशवंत को मैंने कॉल नहीं किया है, देखते हैं क्या कर रहा होगा। घर पे हो तो ठीक है, नहीं तो पता चला हम गए और नहीं होगा। सो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं जल्दी, अभी फ़िलहाल सूर्य तो डूबने ही वाला है, मतलब सनसेट लगभग हो ही रहा होगा, तो फिलहाल अपन चलते हैं अभी। और मम्मी लोग हैं अभी शॉप पर, सो मैं आ रहा हूँ मम्मी, ठीक है। मैं हूँ बटबेरा पे, और अकेले जाने से अच्छा है कि किसी के साथ लेके चलते हैं। तो अतुल को भी ले रहे हैं, तो अतुल और मैं जाएंगे अब, और यशवंत को भी पिकअप करना है, तो चलेंगे तीनों को साथ में। वैसे भी बहुत टाइम हो गया ना, क्योंकि अतुल का बर्थडे था, तो उस टाइम ये मेरे से नाराज़ हो गया था, इसके बर्थडे पर नहीं आया था, तो और सॉरी वॉरी बोल के मनाया इसको। सो फिर चलेंगे, इसलिए इसको भी साथ में ले लेते हैं। और यशवंत सभी चलते हैं ऊपर, ऊपर है इसका छोटा सा गरीब गुजारा वाला गेमिंग सेटअप वाला रूम, और ये देख सकते हैं इसका नेटवर्क। सो इसके गांव में यही सबसे स्ट्रांग टावर है जो चलता है। क्या आप चिकनू? सो देख सकते हैं इसका सेटअप, और गेमिंग ही चल रहा था। गेम खेलते रहे थे? एक दो ओ भाई, एक दो तीन, मतलब तीनों जगह से चल रही है गेमिंग। चल सवेला जाओ घूमे भर, देखते हो 3 चीज पे इसका काम चल रहा है और बनेगी मात्र एक वीडियो। इतनी मेहनत लगती है गेमर्स को, तो बिगनर है ये भी, इसका यूट्यूब चैनल है। इधर चल रहा है मैच। सो उसकी अभी तैयारी है कि ये अपने रूम को मतलब गेमिंग रूम में कन्वर्ट करना चाहता है। सो इसलिए थोड़ी मोड़ी लाइटें वाइटें भी लाई है इसमें, और आने वाले 1-2 साल में शायद इसका गेमिंग रूम सक्सेसफुल हो जाएगा। लड़के का ये चलो चलते हैं। सो चलेंगे, सुहेला में थे और बातें कर रहे थे बहुत टाइम से। सो अभी फाइनली गुपचुप खाने के लिए आए हैं, और नाइट काफ़ी हो चुकी है। सो लाइट का छोटा सा लाइट है, इसी के सामने खड़ा होकर बोलना पड़ रहा है मेरे को, और वो लोग थे उधर। सो फिलहाल अभी बन रहा है गुपचुप, तो उसको खाने के बाद चलेंगे। मतलब बहुत टाइम से बातें कर रहे, बहुत दिन बाद मिले ना, तो ऐसे बातें हो रही थी इसी बीच, तो और कहीं घूमे नहीं थे, तो बड़े दिन बाद आए सुहेला, तो ठीक है, बीच बीच में माइंड फ्रेश ठीक लगता है। सो अभी बन रहे गुपचुप। सो अभी गाइस सुहेला से मतलब मैं सीधा आ गया घर, और नाइट में कोई क्लिप नहीं लिया क्योंकि नाइट हो गई है, फिर दिखता नहीं है कुछ। और अभी भी घर पे आके ही लाइट बंद है, ये घर पे एक इमरजेंसी वाला लाइट है वो चल रहा है। सो अभी लाइट आने का इंतज़ार कर रहे हैं, ये लाइट बंद हो जाती है अच्छा नहीं लगता। अभी गाइस रात के 9 बज चुके हैं, लाइट अभी आई, देख रहे हो बहुत टाइम बाद आई, 1-2 घंटा तो लग गया, तो अभी लाइट आई है। खाना खा लिया है अभी, और अभी तो टीवी चल रही है, और पापा जी तैयार हो रहे हैं क्योंकि अभी उनका नाइट ड्यूटी चल रहा है ना। सो नाइट में ड्यूटी जाएंगे वो अभी 10 बजे वाला, और मैं आ रहा ना था, तो अभी क्या हुआ कि मेरी गाड़ी में अचानक से पेट्रोल ख़त्म होने वाली सिचुएशन आ गई थी भाई। और ऐसे में मैं था कि भटभेरा के बीच में था मैं, तो भटभेरा से गुथरौद हमारे गांव वाला जो रोड है ना, वो मतलब बीच पे कोई भी घर वगैरह नहीं है, और काफ़ी सुनसान है बहुत दूर तक, तो थोड़ा सा डर लग रहा था मेरे को। लेकिन फाइनली पेट्रोल ख़त्म नहीं हुई और घर तक पहुंच गया मैं। अभी मैंने चेक कर लिया पेट्रोल गाड़ी में, और सीन ये है कि गाड़ी में हाँ पेट्रोल है, गाड़ी पुरानी हो गई है ना इसी कारण है। हाँ कार्बोरेटर, सो कार्बोरेटर वाला प्रॉब्लम हो सकता है बाइक में, क्योंकि
बाइक, और वैसे भी बाइक बहुत पुरानी ही है, और हमारे गाड़ी को अराउंड 10-15 साल तो हो ही गया, मतलब 10 साल प्लस ही हो गया है, तो बहुत काफ़ी पुरानी गाड़ी है। इसी नाम से होगा, और कार्बोरेटर वगैरह भी ख़राब होगा, जैसे कि मतलब गंदगी वंदगी पापा ने कहा वैसा ही होगा। सो भी निकल रहे हैं। सो भी गाइस, मैं भी सोऊंगा थोड़ी देर में, तो इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। आशा है कि आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया, अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट भी करना कैसा लगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं ऐसे ही ब्लॉगिंग करते रहता हूँ, डेली ब्लॉगिंग मेरे लाइफ से रिलेटेड। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं आपसे इसी तरह के नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, ऑलवेज कीप स्माइलिंग, बाय, ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग।